दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। होता क्या है कि लड़के वाले जाते हैं लड़की देखने, और वहाँ पे घर में पहुँचते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि भाई आपकी लड़की का नाम तो बताइए। तो लड़के वाले थोड़ा होशियार होते हैं, तो उन्होंने ना थोड़ा जो नाम है लड़की का एकदम अलग ढंग से बताते हैं। तो कहते क्या है, इसकी प्यारी, उसकी प्यारी, राम प्यारी। तो ये सुन के भाई लड़के वाले को लगता है कि भाई इनसे संभाल के रहना पड़ेगा। और उसी वक्त लड़की वाले पूछते हैं कि आपके लड़के का नाम क्या है। तो बस उसके बाद लड़के वाले ने जो जवाब दिया वो सुनिए। लड़के वाले बोलते हैं, इधर गु उधर गु जग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक लाइट डिफ्यूज़र की जो मैंने परचेस किया है अमेजोन से। तो ये है उसकी पैकिंग, तो इसको अनपैक करते हैं, मतलब अनबॉक्स करते हैं, बताते हैं इसको सारे फीचर्स और कैसे इस्तेमाल करते हैं और सब कुछ सारे डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये डिफ्यूज़र जो है इस तरह की पैकिंग में आता, तो यहाँ पे एक जिप है, तो इसको मैं जिप को मैं ओपन करता हूँ। और जिप को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा सॉफ्ट बॉक्स या लाइट डिफ्यूज़र यहाँ पे है। ये है हमारा लाइट डिफ्यूज़र, देख सकते हो आप अच्छी तरह से। प्लास्टिक की पैकिंग में आता है और ये प्लास्टिक की पैकिंग में रख देता हूँ साइड में। इसके अंदर कोई भी यूज़र मैनुअल ऐसा कुछ भी कंटेंट नहीं है, कुछ भी पेपर वर्क देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये सॉफ्ट बॉक्स मिलता है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे इसके पीछे साइड में कुछ ऐसा है। यहाँ पे इसको अगर मैं इसको ये हटाऊँ इसका, तो ये इस ढंग से ओपन हो। तो यही है सॉफ्ट बॉक्स। ये आपको देखने में तो काफ़ी छोटा लग रहा होगा, कुछ काम का नहीं लग रहा, लेकिन इसके फायदे बहुत है जो मैं आपको अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब जो क्वालिटी आप देख रहे हो इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो कॉटन लगाया हुआ है या कुछ डिफरेंट तरह का कपड़ा है, जो कि जिसकी क्वालिटी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पर आप देखोगे इसके जो बैक साइड में जो मटेरियल यूज़ हुआ है, आई थिंक नायलॉन का है, और नायलॉन की क्वालिटी ऑसम है, नंबर एक की क्वालिटी है। और उसके बाद अंदर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो अंदर सिल्वर कलर का कपड़ा लगाया हो या फिर जो भी स्टिकर है, बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और यहाँ पे आपको एक इलास्टिक मिलता है जिसके आप थ्रू लगा के ऐसे इस पर चिटका सकते हो, तो इस ढंग से वो चिपक जाएगा। और दोस्तों, मैंने इस सॉफ्ट बॉक्स को परचेस किया था अमेज़ॉन पे, और अमेज़ॉन पे इसकी प्राइसिंग कुछ है 165 रुपीज़, और उसी के साथ साथ 40 रुपये डिलीवरी चार्ज लेते, तो टोटल कुछ मेरे को 205 रुपये के में ये सॉफ्ट बॉक्स पड़ा। और इसके फ़ायदे बहुत हैं, तो अभी हम उन लोगों को फ़ायदे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका जो लिंक है, बाइंग लिंक, हमेशा की तरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से परचेस भी कर सकते हो। बात कर ले इसके यूसेज के बारे में, तो इस सॉफ्ट बॉक्स को यूज़ कैसे करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको ये वीडियो शूट कर रहे हो और आपके मुंह पे लाइट आ रही है, जो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई भी नॉर्मल इंसान एक अगर उसकी आंख पे अगर लाइट मारोगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसका ही उसके लिए ही ये सॉफ्ट डिफ्यूजर बना हुआ है। जिसके थ्रू होता क्या है कि इसके अंदर आप लाइट लगा दो, इसके अंदर इस ढंग से इसके अंदर लाइट डाल दो और उसके बाद फोकस करोगे, तो उस पर आपका जो लाइट का जो इफेक्ट है एकदम सॉफ्ट आएगा। मतलब आपको लगेगा कि कितना अच्छा आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, या फिर जो लाइटिंग का जो इफेक्ट है बहुत अच्छी तरह से आएगा, और वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा है उसकी क्वालिटी भी जो होगी, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी इस सॉफ्ट डिफ्यूज़र के थ्रू। तो ये सॉफ्ट बॉक्स बहुत बहुत ज़्यादा काम का है, ये पहला नंबर। दूसरा पॉइंट होगा कि आपके पास अगर कैमरा है और कैमरे में ऑफकोर्स फ्लैश लाइट तो होती है, तो उसके ऊपर आप आराम से इसको लगा सकते हो, परफेक्टली बैठ जाएगा। बाद में यहाँ से चिपका दो, चिपकाने के बाद इस ढंग से आपका कैमरा, यहाँ पे नीचे कैमरा होगा और यहाँ पे आपका सॉफ्ट बॉक्स। तो इसमें आपको जो अगेन जो लाइट आ रही थी आंख पे वो नहीं आएगी, तो ये इसके फायदे होते हैं। और इसमें प्रोडक्शन क्वालिटी जैसा मैंने कहा कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और रिकॉर्डिंग करने के टाइम, फोटोग्राफी करने के टाइम बहुत अच्छा आपको हेल्प मिलेगा इस सॉफ्ट बॉक्स के थ्रू। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, सस्ता है और वैल्यू फॉर मनी है। मतलब 165 रुपीज़ में अमेजोन पे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे रहा है। आप अगर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी का शौक़ रखते हो, या फिर कुछ आपको ज़रूरत है, या फिर आप कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हो जिसमें आपको लाइट मुंह पे आ रही बट उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो ये सॉफ्ट बॉक्स आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं आप सबने सभी व्यूअर्स को रिकमेंड करूँगा ये सॉफ्ट बॉक्स आप परचेस कर सकते हो। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, ज़रूर वहाँ से चेकआउट कीजिए, पूरे डिटेल्स वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। आपके पास अलग अलग ऑप्शन वहाँ पर भी होते हैं, वो भी अच्छे से चेकआउट कर लीजिए।
और आपके घर पे अगर एलईडी बल्ब है और आप चाहते हो कि एक डिफ्यूजर यूज करें जिसके थ्रू उसकी रोशनी कम हो जाए या फिर आपको जो सॉफ्टनेस मिले, तो आप ये डिफ्यूजर वहां पे भी यूज कर सकते हो। दोस्तों जो मैं करंटली लाइट यूज कर रहा हूँ अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, ये है। इसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिजिटेक का ब्रांडेड 2200 रुपीज का ये लाइट है और ये मैंने परचेस किया था। बट मेरा प्लान था कि मैं इस डिफ्यूजर को इसके अंदर डाल के रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही कि इसका जो साइज है, इसका जो ये ओपनिंग है उतना चौड़ा नहीं है या फिर उतना विड्थ उसकी नहीं कि इसके अंदर घुस सके। तो फिलहाल मैं इसको सेकेंडरी ऑप्शन रखता हूँ। जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो एलईडी बल्ब है मेरे घर पे, तो उसके ऊपर लगा सकता हूं, या फिर मेरा जो कैमरा है कैमरे के ऊपर भी लगा के रिकॉर्डिंग कर सकता हूं। एज अ सेकेंडरी लाइट डिफ्यूजर मैं इसको यूज करने वाला हूं। जो लोग प्लान कर रहे हैं अगर ये लाइट डिफ्यूजर लेने का, और आपके पास अगर ऐसा है डिजिटेक का ऐसा चौड़ा वाला लाइट, तो फिर ये मत लीजिए, इससे बड़े साइज का लीजिए, क्योंकि इसके अंदर ये फिट नहीं बैठेगा और आपको अगेन प्रॉब्लम होगी और आपका पैसा वेस्ट भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए। तो ये सारे कुछ डिटेल्स जो मुझे बताने थे इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी डिटेल्स अच्छी लगेंगी रहेंगी और ये डिफ्यूजर भी काफ़ी आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसकी प्राइसिंग काफ़ी सस्ती भी है। और दोस्तों इस लाइट को जो मैं करेंटली यूज कर रहा हूँ, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका लाइट लेने का प्लान है तो रिकॉर्डिंग के लिए इज वन ऑफ द बेस्ट लाइट होगी मेरे हिसाब से। ये मैंने ऑफलाइन खरीदा था बोरा बाजार में से, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, प्राइसिंग में ज्यादा फर्क नहीं हो, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, ऑफकोर्स वो एक्सेप्टेबल है। और दोस्तों जैसा मैंने कहा कि मैंने ये अमेजोन से परचेस किया है, और उस टाइम पे जब परचेस करने के टाइम मैंने कुछ रिव्यूज पढ़े थे, तो उसमें किसी ने कहा था कि ये होल्डर के साथ आता है, मतलब जो लाइट होल्डर होता है उसके अंदर लगा होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली गलत है, वो उस पर आप बिलीव मत कीजिए, क्योंकि जब मुझे मिला था तो फिर यहाँ पे उसमें होल्डर नहीं है और इसमें होल्डर नहीं आता। तो आप जो भी हो, गलत इन्फॉर्मेशन मत स्प्रेड कीजिए, गलत इन्फॉर्मेशन को आगे प्रमोट मत कीजिए, ये आप ही के लिए या हम सभी इंडियंस के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। जैसा कि आज मुझे फील हो रहा है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें लाइट होल्डर होगा, लेकिन लाइट होल्डर नहीं है। इसमें आप लाइट होल्डर लगा सकते हो, लेकिन लाइट होल्डर के बिना ही आता है, देख सकते हो अच्छी तरह से, यहाँ पे कोई भी लाइट होल्डर नहीं है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए, गलत इन्फॉर्मेशन मत स्प्रेड कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो मत बोलिए उसके बारे में, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं दे, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस फॉर ऑल ऑफ अस। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। जो लोग नए हमारे हैप्पी गाइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दिए, टर्न टर्न टर्न। और आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय। और हाँ, इसी के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, आईडी है हैप्पी गाइड। जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, सारे अपडेट वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों मेरा घर में खराब हो गया था सॉक्स, इसलिए मैंने मंगा लिया सॉफ्ट बॉक्स रिकॉर्डिंग।